वेलकम टू सम्मा अली ब्लॉग्स दोस्तों। आज हम लोग बनाएंगे मूली का सब्जी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वीडियो पे बने रहें, पूरा वीडियो को देखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो देखिए गाइस, यहाँ पे सम्मा कटिंग कर रही है मूली को, जो कर की मूली को पूरा छील ली है, उसके बाद धो करके कटिंग कर रही है। हम थोड़ा बाहर गए हुए थे तभी ये वीडियो नहीं बना पाए मूली को छीलने वाला, इसीलिए एक मूली रखे हैं हम लोग, जो मूली को बाद में छील करके दिखा दिया जाएगा। इसी तरह से सफाई के साथ पूरा मूली का छिलका को छीलने के बाद और धोने के बाद मूली को कटिंग किया जाता है। देखिए पूरा कटिंग हो गया, उसके बाद जो एक मूली बचा हुआ था, बचा करके रखा हुआ था, वो मूली अब वहाँ पे छिला जाएगा। देखिए इस प्रकार से मूली का छिलका को हटा लेते हैं। पूरा अच्छी तरह से मूली के छिलके को हटाना है, उसके बाद मूली को फिर धोना है, पानी साफ पानी में धोना है। साफ पानी में धोने के बाद फिर उसकी कटिंग होती है। ये मूली की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी होती है दोस्तों, आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं और देखिए कितना स्वादिष्ट सब्जी इसका बनता है, बहुत ही लाजवाब लगता है दोस्तों। ये मूली का सब्जी बहुत ही मेहनत से बनता है दोस्तों, इसमें बहुत ही मेहनत है, जो कि देखिए इसको बारीक बारीक काटा जा रहा है। उसके बाद सभी मूली को उबाला जाएगा, मूली उबल उबल करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद मूली को फिर कूटना पड़ता है दल घोटनी से। सारा डाल दिए दोस्तों, अब इसमें नमक डाला जाएगा, जो कि नमक के साथ ये उबलेगा तो थोड़ा जल्दी सीझेगा और इसमें नमक का स्वाद अंदर तक भर जाएगा तो खाने में टेस्टी लगेगा। अब इसको ढक्कन लगा दिया जाएगा थोड़ा चलाने के बाद, उसके बाद ये यहाँ पे सीझेगा। अब देखिए दोस्तों, मसाला बनाने के लिए लहसुन मिर्चा और जीरा गोलकी लगाने के बाद इसको पीसा जाता है, इसका पेस्ट बनाया जाएगा। ये जो मसाले की पेस्ट है, ये हम लोग इसको सिलवट्टा बोला जाता है, हम लोग सिलवट्टे पे ही पीसते हैं क्योंकि हम लोग के पास मिक्सर नहीं है। सिलवट्टे से पीसा हुआ जो बनता है ना मसाला दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और ये बिजली के उपकरण से नहीं बनता है तो इसका स्वादिष्ट बहुत ही अच्छा होता है और हेल्दी रहता है। इसमें बिजली के उपकरणों का सामान नहीं रहता है। फाइनली दोस्तों, अब हम लोग का मसाला फाइनल होने वाला है।
मसाला पूरा फाइनल हो गया है। अब इसको एक कटोरी में ले करके इसको पूरा सारा एक कटोरी में डाला जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कढ़ाई गरम हो गया है, वहाँ पे तेल डला रहा है। मूली का सब्जी आज बनेगा बहुत ही स्वादिष्ट, क्या जी? हाँ जी। अब ये आलू का टिन होगा। हाँ जी, आलू डालने से बढ़िया लगता है ना, स्वाद। अच्छा ठीक है, फटाफट आलू काट लीजिए। और प्याज काट लिए हैं? नहीं जी। तो काट देते तो इधर हम चला देते, तब तक करते हैं। काटिए, तब तक तेल गरम हो गया है, हम इधर चलाएंगे। चटुआ है यहाँ पे? नहीं जी। चलिए कराते हैं। तेल गरम हो गया जी, भुनभुना उठ रहा है। हल्दी देना है क्या पहले? लो हल्दी दे दो। हल्दी भी प्याज के साथ भुना जाता है ना? अच्छा आलू कटल हो गया पूरा, इसको धोना है। बढ़िया से धो लो। प्याज जल ना जाए जल्दी। नमक और नमक नहीं दिए। अच्छी लाजवाब सब्जी बनने जा रहा है दोस्तों आज। मूली का सब्जी जब जब बनता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े बड़े घर वाले लोग तो फेंक देते हैं मूली को, लेकिन देखिए इसको गरम करके उबाला गया है। ये पूरा उबल कर तैयार है। यहाँ पर टमाटर डालेंगे। तो बड़ा रह गया जी, मसाला डाल दे रही है। अब इसको रेस्ट देना है, ढक्कन लगा देना है। हमको भी थोड़ा थोड़ा आता है सब्जी बनाने के लिए, शर्मा जी के साथ रह कर के सीख गए हैं।
क्या जी, हम बना लेंगे ना खाना। ढकने दीजिए, दीजिए बढ़िया से। इसको इसको क्या करना है? इसको हलवा बनाना है। अच्छा हलवा बनेगा? सूजी का हलवा? क्या नहीं जी, मल्ली का दाल घोटने से इसको कूटे। अच्छा तो गर्मा गर्म है जी, पूरा भाप निकल रहा है, इसीलिए दाल घोटने का लेना है। नहीं तो हाथ से करते। हाथ देखिए दोस्तों, अब लगता है कि हो ही गया है। हो गया ना जी? नहीं जी, थोड़ा सा लाइए, हम कर देते हैं इधर, मजबूत हाथों से कर देंगे। लाइए। नहीं जी, हो गया जी। ठीक है, फटाफट कीजिए, हमको तो मूली का सब्जी का इंतजार में हमको भूख लग गया जी बहुत तेज। ये जी रुकिए ना जी, बनने दीजिए। देखिए दोस्तों, हम लोग का घर देखिए, इतना स्थिति खराब है कि देखिए, बरसात में तो जीना मुश्किल हो जाता है। देखिए यहाँ पे चारों तरफ पानी छूता है, तो हम लोग क्या किए, प्लास्टिक खरीदे मार्केट से और यहाँ पे एक जगह पे छेदा कर दिए हैं, और चारों तरफ का पानी चू करके यहाँ पे एक जगह पे गिरता है। अच्छा अब इसको छान रहे हैं जी, उसके बाद हाथ से भी कुछ करना है क्या? नहीं जी, हो गया, थोड़ा सा करेंगे जो बड़ा बड़ा है। देखने में कितना मस्त लग रहा है जी, तो खाने में कितना मस्त लगेगा जी। आजकल ज्यादा ही खाना खाने है। हमको भी तो लग रहा है, चावल सही से डाले है ना? क्या है कि दोस्तों, आज दो टाइम खाएंगे, नाश्ता में भी और 12 बजे भी। पूरा बढ़िया तरीके से पानी को निकाल दीजिए। मूली को अगर आप इस तरह से मेहनत करके बनाइएगा ना दोस्तों, इतना मस्त लगेगा ना उसका सब्जी, मूली का सब्जी। और कौन कौन खाए हैं मूली का सब्जी, कमेंट करके बताइए। और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। देखिए अच्छी तरह से कूट रहे हैं, ज़्यादा कूटने से कोई दिक्कत नहीं है? इधर तो पूरा खौल रहा है सब्जी, थोड़ा देख लेते हैं इधर पानी उनी है कि नहीं। क्या लग रहा है? अच्छा अब फाइनली दोस्तों मूली जाएगा अब सब्जी में, जो कि इधर आलू का और मसाले का भी इधर चढ़ा हुआ है कढ़ाई में। अब यहाँ पर फाइनली जाएगा, ये बन कर के तैयार है मूली का मुरब्बा। अच्छा अभी लेट होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली अब हमारे जा रहे हैं मूली, अब लगेगा ना स्वादिष्ट सब्जी। अब सब्जी बन गया, बन गया, उतार रही है। थोड़ा सा ढक के। अच्छा ठीक है, बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए, बहुत तेज भूख लग गया है जी सब्जी देख करके। बड़ा मस्त दिख रहा है जी।
देखिए दोस्तों, हम लोग का तो सब्जी तो बन के रेडी है, लेकिन खाना बनने में थोड़ा लेट है और अभी घड़ी में 9 बज गया है, तो हमको थोड़ा ज़्यादा भूख लग गया है। तो ये देखिए पापड़ और ये चाय, पापड़ और लाल चाय अभी थोड़ा सा फ़िलहाल के लिए खा लेते हैं। उसके बाद फिर जब बन जाएगा खाना तभी फिर खाएंगे स्वादिष्ट खाना। मूली का सब्जी बना हुआ है दोस्तों, आप भी खा लीजिए दोस्तों, खाइए दोस्तों। खाना लग गया है, अब खाने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों कितना मस्त बना है मूली का सब्जी, देखिए आप भी खा लीजिए दोस्तों। अभी थोड़ा नहीं गला है दोस्तों, भूख के मारे खाने जा रहे हैं। मस्त बना है जी मूली, मूली का सब्जी बहुत बढ़िया है। आज की ब्लॉग वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।